नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमियूण वड्डिमानं परमपाणं जिनन्ति सोदेनो वच्छामि व्ययनसारम् सायार्णयार धम्मीणम् नमो अरहंताणम् नमो सिताणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्जायाणम् नमो लोये सव साहूणम् अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की देवादि देवी कजराट श्री शांतिनाथ भगवान की अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी की आचार्य भगवान गुरुवर विश्व सागर जी मुनराज की तीन कमना कोटि महा मुनराजों की भव्य बंधुओं अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनीषियों हम सभी के कल्याण का साधन है। मोक्ष जाना सरल नहीं है, मोक्ष जाना कठिन है, लेकिन मोक्ष जाना सरल है उसके लिए जो सम्यक्त्व को प्राप्त कर चुका है। बहुत गंभीरता से भगवान कुंद कुंद स्वामी चिन्ह बता रहे हैं, लक्षण बता रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि जीव कैसा होता है। गाथा नंबर 50 और 51 बिनी क्रम वही चल रहा है, विषय भी वैसे ही आ रहे हैं। 50 और 51 नंबर की गाथा में कह रहे हैं कुंद कुंद स्वामी, भैया लक्षण देख लो, कहीं आप मिथ्या दृष्टि तो नहीं हो। मां बिना लक्षण के लक्ष्य पर दृष्टि नहीं जाती, लक्षण देख करके आप काम करते हो। ककड़ी पहले खाते हो कि ककड़ी पहले बनाते हो, बोलो पारस भैया? ककड़ी पहले चीखते हो और नहीं चीखी तो खाने के बाद चीखोगे? माँ पहले ककड़ी बनाते हो कि खाते हो? अब सुनो, पहले ककड़ी बनाते हो कि पहले ककड़ी का विष निकालते हो? कैसे? ऐसे नहीं निकालते, सीधी तरफ से काटते कि उल्टी तरफ से? हैं? सीधी तरफ से, पूरा बीच से दो, नहीं नहीं ऊपर थोड़ी सी ककड़ी काटी जाती है और फिर अरे अभी घिसेंगे कहां, अभी उसमें छेद किया जाता है। उसमें छेद करते फिर क्या करते हैं, घिसते हैं, घिसते हैं, बहुत देर तक घिसते हैं। उससे क्या होता है, ककड़ी का
विष निकलता है। कुछ ककड़ी ऐसी होती है जो थोड़े में निर्विष, कुछ ककड़ी ऐसी होती है कितने ही घिस लो विष खत्म नहीं होता। उसका क्या करते हो, उसका क्या करते हो, उस ककड़ी को अलग कर देना श्रेष्ठ है। और ऐसे फेंकना कोई तिरंच भी ना खाए, बेचारे का भी मरण हो जाएगा। उस ककड़ी को घिस के क्या करते हो, सबसे पहले विष निकाला जाता है, और विष निकल जाए फिर आप उसका सेवन करते हो। ये आपकी आत्मा जो है ककड़ी के ही समान है। जिनेंद्र भगवान के बचनों को घिसो, सुनो, फिर जहर निकलेगा, फिर सम्यक दृष्टि बन पाओगे। और जो नहीं बन पा रहा है, हे जीव, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, वो अभव्य है। न मुयदी पैडी मभब्बो सुट्टुवी अज्जाई उन सब सत्तानी गुणो दुग्धम पिबंता न पण्या निबिसा हुंती। न मुयदी पैडी मभब्बो, हमारी नहीं, भगवान कुंद कुंद स्वामी की गाथा है, समय सार जी में कह रहे हैं। अभव्य जीव अपनी प्रकृति कभी नहीं छोड़ता। अभव्य जीव अपनी प्रकृति कभी नहीं छोड़ता, चाहे पूरा आगम धर ले, रट ले, गुरुओं के प्रवचन सुन ले, नियम ले ले, जो चाहे वो कर ले, अभव्य जीव अपनी प्रकृति कभी नहीं छोड़ता। कैसे, गुण दुग्धम्पि पिबंता, गुड़ मिश्रित दूध पीने से जैसे सांप कभी निर्विष नहीं होता। कितना ही पिला लो नरेश भैया, कितना ही पिला लो, चढ़ता उसको जहर ही है, चढ़ता उसको जहर ही है, सांप के पास जहर ही रहता है। ऐसे अभव्य जीव है, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए एक उपाय है, इग्नोराय नमः। क्या उपाय है, क्या उपाय है, कोई उपाय नहीं है। सही देखी, सही सही देखी, क्या सही प्राणी को देखा आपने, शेर भी डरता उससे, क्यों, कांटा छोड़ देती है और वो कांटा इतना अंदर जाता है कि निकलता बड़ी मुश्किल से। और जानवर का कांटा कौन निकालेगा, देखा कि नहीं कभी चित्र, कांटा लग गया किसको, शेर को, सही को खाने जा रहा था, उसने अपने कांटे फैला लिए। अब उसका कुछ नहीं कर सकते। मां अभव्य जीव की यही प्रकृति है, उसके लिए एक ही उपाय है, उसकी उपेक्षा करो, उससे कोई अपेक्षा मत करो। इसलिए यहां कह रहे हैं कुंद कुंद स्वामी भैया, अपने अपने आप को आज टटोल लो, कहीं हम सम्यक में हैं कि हम मिथ्यात्म हैं। क्योंकि न्याय का विषय तब समझ में आएगा, पंचास्तिका है तब समझ में आएगी, अष्ट सहस्त्र भी तभी समझ में आएगी जब जीव के पास सम्यक होगा। सम्यक तो है नहीं, और ऊंची ऊंची बात कह लो, सुना दो, सुन लो, भैया सब व्यर्थ है। क्यों, क्यों व्यर्थ है पारस भैया, क्यों व्यर्थ है, गड्ढा करके रखे हो मटके में, कितना ही पानी भर लो, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। पहले गाथा का उच्चारण कर लें, फिर बताते हैं। एक कणम नवी चिंता दी मोक निमित्तम नियप सद्भावम अनसी विचिंता दी पावम बहुलालावम मणे विचिंते दी मिच्छा मदि मद मोहा
सब मत तो बोल दे जा बुल्लो ते न जान दी अप्पा अप्पाणम संभावाणम। दो गाथाओं में भगवान कुंद कुंद स्वामी अपनी पीड़ा लिख रहे हैं कि मैं भी समझा रहा हूं फिर भी जीव नहीं मान रहा, तो फिर हमारे समझाने की क्या बात है। भगवान आदिनाथ कह रहे भैया हम भी समझाते समझाते थक गए, जिसको मानना था वो मानता है, जिसको नहीं मानना वो नहीं मानता है, तुम दुखी मत हो। केवली से ज्यादा ज्ञान किसके पास है लालू, केवली से ज्यादा ज्ञान किसके पास है? है नहीं है, केवली भी कहां समझा पाए। सम्यक्त विहीन जीव यानी मिथ्या दृष्टि जीव मोक्ष प्राप्ति के निमित्त भूत आत्म स्वभाव को एक क्षण भी उसका चिंतन नहीं करता। जो मोक्ष में साधन है मिथ्या दृष्टि जीव उसका चिंतन नहीं करता, ऐसे आत्म स्वभाव का चिंतन नहीं करता तो क्या करता है? बात तो ये कि तो क्या करता है, तो कह रहे हैं दिन रात पाप का चिंतन करता है, मन में बहुत कुछ बोलता है सोचता है। दिन भर क्या करेगा वो, बैठे बैठे पाप का ही चिंतन करेगा। उपास भी कर लिए अगर तो यही सोचेगा पारना में किस ठेले में खड़े होके सिगरेट पीना है, किस ठेले में खड़े होके फुल्की खाना है, अब गुटखा कौन सा लाना है। चिंतन कैसा चलेगा पाप का, क्या कर सकते हैं, बेचारे की गति वैसी है उसकी मति वैसी, अपन क्या कर सकते हैं। किसी को कितने ही समझाना कि बेटा ऐसे मत जाओ, ऐसे गाड़ी मत चलाओ, भिड़ जाओगे। माँ विकल्प नहीं करो, एक आध बार भिड़ जान दो और ज्यादा नहीं, हाथ पैर टूटे सो टूट जान दो, अगली बार सुधर के शांति से रहेगा। जो मनुष्य में होकर भी मनुष्य है, नरेश भैया जो मनुष्य में होकर भी मनुष्य है, वो ठोकर खाते देख करके ठोकर खा के सुधरते हैं। जो मनुष्यों में तिर्यंच होते हैं वो ठोकर खाते रहते हैं, सुधरते कभी नहीं है। इनके लिए कुछ नहीं कर सकते। कुंद कुंद स्वामी कह रहे भैया हम नहीं कर पाए, तुम क्या कर पाओगे। आगे कह रहे हैं मिच्छा मदी मद मोह हासव मत्तो। मिथ्या दृष्टि जीव मद और मोह रूपी झरने से मत उन्मत्त होकर भुलक्कड़ व्यक्ति की तरह बोलता है। अभी कुछ, 10 मिनट बाद कुछ, 15 मिनट बाद कुछ, और पहले का बोलो तो हमने कहा ही नहीं। और कहीं आप दिखाओ भैया कैमरे में तुम हो, बोले हम है ही नहीं। अब हम है ही नहीं तो हम क्या है, अब क्या बोलोगे तुम। पारस भैया सत्य को साबित करने के लिए शक्ति लगती है, झूठ तुरंत साबित होता है। एक व्यक्ति गया, बताया था हमने, ऑफिस गया, साहब साहब कहते बेटा घर जाओ। बोले क्यों, बोले तुम तो मर चुके हो। बोले साहब जिंदा खड़ा हूं। कह रहे मर गए हो। बोले तुम्हारी पत्नी ने मृत्यु प्रमाण पत्र जमा किया है तुम्हारा, अब तो तुम्हारी जो पेंशन है उसी को मिलेगी। बोले साहब मैं भी जिंदा हूं। बोले नहीं तुम मृत्यु प्रमाण पत्र, तुम जन्म प्रमाण पत्र लेके आ जाओ। संसार है, राम राज था, अब रावण राज है, बच के रहो। राम राज था, अबे भैया अब रावण राज है, बच के रहो। कुछ नहीं कर सकते। भुलक्कड़ व्यक्ति की तरह वो मिथ्या दृष्टि जीव कुछ भी बोलता रहता है। और सुनो, इस कारण वह स्वयं अपनी आत्मा के साम्य भाव को नहीं जान पाता, बेचारा मिथ्यात्म में ही डला रहता है।
किसी के यहां कभी सांप निकला नायक जी? किसी के यहां कभी सांप निकला? क्या करते हो उसको पकड़ने के लिए? क्या उपाय करते हो अपनी रक्षा के लिए? उसकी हिंसा नहीं करना, क्या करते हो? सपेरा बुलाते हैं, भैया तुम उसको पकड़ दो, छोड़ के हम आ जाएंगे जंगल में। पकड़ लेते सांप, क्या करता है जैसे कहीं किनारे जाके घुस जाता है, अब उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है, कब डस दे, तो उसके लिए क्या करते हैं? बीन बजाई जाती है। बीन बजाते हैं तो उसको सुन के बाहर आता है, और जब वो बाहर आता है सपेरा उसको पकड़ता है। भैया घर में घुसे सांप को तो आप पकड़ सकते हो, ऐसी कोई बीन मिले तो बताओ पारस भैया आस्तीन के सांप निकालने के लिए, ऐसी कोई बीन हो तो बताओ। है एक ही है जिनवाणी, वो भी अगर भव्य हुआ तो, नहीं तो माँ वो जिंदगी में डसेगा और तुमको सहना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। हाँ एक उपाय है, वो गाथा नंबर 52 में कुंद कुंद स्वामी बताएंगे, पहले रोग समझ लो फिर उपचार समझना। दिन रात सोचता तो है वो मिथ्या दृष्टि जीव, पाप के बारे में ही सोचता है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों पर भी भैया कसाय नहीं, साम्य भाव हो। पूछो क्यों? समन्वय। बहुत सारे कारण कर्म के रहते हैं, व्यक्ति का दोष नहीं रहता, कर्म का ऐसा तीव्र उदय रहता कि उसको समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। या विषय समझना, ये अंतरंग का विषय बहिरंग का विषय, किसी जीव की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, वो यहां वहां की बातें कर रहा है, ये बहिरंग से अथवा ये बहिरंग कारण। देखो अप्रमेय सागर जी, किसी जीव की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ये बहिरंग में दिख रहा है, जैसे किसी के मोबाइल में स्क्रीन नहीं आए, ऐसा हुआ कभी? गिर जाए तो स्क्रीन नहीं आ रही, आपका वो टच नहीं चलता, ये बहिरंग में दिख रहा है। अब बताओ अंतरंग में क्या क्या हुआ है? बोले मदर बोर्ड उड़ गया, पानी चला गया, और भी बहुत कारण होते ना। क्यों सिद्धार्थ, आपका तो व्यापार है भाई, बहिरंग में जो दिख रहा है वो सत्य अकेला नहीं है, और भी है। अंतरंग में जीव का तीव्र 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 दर्शनावरणी ज्ञानावरणी कर्म का उदय चल रहा है, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही। आप उससे कहो भैया माइक उठाना, तो रखा है दिख रहा है वो काला वाला, वहां कितने माइक रखे हैं, कितने रखे हैं? वो पूछता, अच्छा वो काला वाला, हाँ काला, अच्छा वो जिसमें ऑरेंज कैप लगा वो वाला, अच्छा स्टैंड के साथ लाना है कि बिना स्टैंड के? भाई तुम तो जैसा हो वैसा लो, चालू करके कि बंद करके, बैटरी चेक कर ले, कौन सी कंपनी का चाहिए? अरे भाई तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, क्यों? ज्ञानावरणी दर्शनावरणी ने घेर लिया है। और बताएं, ज्योतिष से पूछो तो ज्योतिषी कहेगा इसकी बुद्ध की तीव्र दशा चल रही है, जहां बुद्ध की तीव्र दशा आती है बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और उसमें भी अगर बुद्ध में केतु की महादशा आ जाए, बेचारा व्यक्ति चाह कर भी कुछ ना सोच पाता है ना कर पाता है ना बोल पाता है, बुद्धि पूर्ण रूप से भ्रष्ट हो जाएगी। उसको बोलना भैया पानी का जग लाओ तो वो दूध का जग लाएगा, बोले पानी चलाओ तो बोले भैया खड़ा ही है वो। प्रभात भैया ये बुद्ध के ऊपर केतु की महादशा, और एक और आता है ज्योतिष में पक्ष कि बुद्ध में होती है राहु की दशा और राहु में होती है केतु की दशा। ये जिन आगम से बता रहे हैं आपको भैया, जिसके अंतरंग में ऐसा उदय आ गया है भैया,
उसको बोलना तुम बैठो और खाओ और जीवन जियो। जो कुछ करेगा वो उससे सही कुछ नहीं होगा, सब गलत होगा। ये अंतरंग कारण वास्तु से पूछोगे तो उसके घर का पश्चिम कमजोर है, बुद्धि भ्रष्ट होती जाएगी। ये सब अंतरंग बहिरंग कारण है, लेकिन वो मिथ्या दृष्टि जीव सोचता क्या है? उसको अगर ये तार दिख जाए तो यही सोचेगा ऐसा लंबा खींच के लगाते रहे हैं, कोई भी आएगा तो गिर जाएगा। उसको लकड़ी मिलेगी तो वो गुलेल बनाएगा। वहीं सम्यक दृष्टि जीव को लकड़ी मिल गई तो उसमें भगवान की आकृति बनाएगा। मिथ्या दृष्टि जीव निरंतर पाप का ही चिंतन करता है और कभी भी सही नहीं कहता, मन में बहुत कुछ बोलता है और बहुत कुछ सोचता है, बहुत कुछ करता है, विपरीत ही करता है। मां ऐसा मिथ्यात का उदय तो नहीं है, अपने में ढूंढना, पर्याय चली जाएगी, बंद दे जाएगी। हम अनिल भैया दादाजी ज्यादा विकल्प नहीं करते, क्यों? हमें पता है अधिक से अधिक आप हमारे बारे में कुछ कह पाओगे तो 30-40 साल तक। भगवान ने मतलब कर्म आयु रही तो 50 साल, उसके बाद क्या भूल पाओगे? फिर तो हम यहां मिलने वाले वैसे ही नहीं है। कितने साल तक बोल सकते हो सहज सागर जी आप किसी के लिए? जब तक उसकी आयु है। अब वो चला गया, अब तुम्हें जो बोलना सो बोल लो, कब तक आप किसका हित अहित कर पाओगे? जब तक आयु है। लेकिन जो कर्म बन गया है भैया, उसको समेटना मुश्किल पड़ जाएगा। अनुभूत विषय बता रहे हैं, यहां कह रहे हैं वो मिथ्या दृष्टि जीव कैसा चिंतन करता है, तो कह रहे हैं ईर्ष्या का चिंतन चलता है। ईर्ष्या का चिंतन चलता है, हमारी धोती पतली, लोकेश भैया की मोटी, ईर्ष्या। भैया तुम भी ले आओ ना, किसने मना किया? तुम भी ले आओ, तुम्हारे पास धन हो तो तुम भी ले आओ, बुद्धि हो तो तुम भी ले आओ। ईर्ष्या, दुख इस बात का नहीं है कि आप आगे बढ़ रहे हो, दुख इस बात का है कि हम पीछे रह गए। और धर्म क्षेत्र में ये परिणाम आ गए भैया, निश्चित मानना, वज्र लेपो भविष्यति। नायक जी एक बात मान लो हमारी, जब भी आपको कोई बहुत आवश्यक मीटिंग लेना हो समाज के हित में, चातुर्मास संबंधी, जनरल पंचायत, कोई भी चीज हो भैया, मंदिर में नहीं करना, मंदिर में नहीं करना। आप कहीं किराए से हॉल लेके कर लेना भैया, मंदिर में नहीं करना। देव शास्त्र गुरु के चरण में बैठ के, चरण निश्रा में बैठ के अगर तुमने कसाय करी है भैया, निदत्ती निकाचित कर्म का आसरा होगा, वहां नहीं करना भैया। तो आपके पास धर्मशाला है, घर है, कहीं भी बैठ के कर लेना, सार्वजनिक स्थान पे नहीं करना, समाज की वहां इज्जत मत धुलाना। आपकी बात ठीक है, लेकिन एक मिनट सोचो कि अनुशासन भले ही दिख जाए लेकिन निदत्ती निकाचित कर्म का आश्रय हो रहा है भैया, ये उदय में ही आएगा, ये कभी क्षय को प्राप्त नहीं होगा, झेलना ही पड़ेगा। अरे एक ही भाव जाएगा ना, हेलमेट लगा के बैठना। अरे मंदिर में बैठ करके कहीं भैया कोई ईर्ष्यालु ने कुछ बोल दिया, किसी निंदालु ने कुछ बोल दिया, कोई विपत्ति आ गई, भैया एक ही पर्याय जाएगी चलेगी, धरती निकाचित कर्म बंद गया, भाव भाव जाएंगे। दादाजी श्वास खराब हुआ था, अभी ठीक हो गए, हो रहे हो, किसी और का नहीं, आपके ही कर्म का उदय है।
ये पूर्व में अंतराय डाला था तो अभी उदय में आया है। देखो भैया ऐसा है, जो आगम की व्यवस्था है वो व्यवस्था है, बाकी आपकी जो व्यवस्था है वो आप संभालो। आगम की तो यही व्यवस्था है, मिथ्या दृष्टि जीव ईर्षा का चिंतन करता है, अपने आप को आगे बढ़ाने का भाव नहीं रखता, वो यही भाव रखता है कि सामने वाला कैसे गिरे, सामने वाला कैसे हीन साबित हो। भैया कर लो, तुम कर सकते हो, वो थोड़ ना जाएगा, वो थोड़ ना जाएगा, होना वही है जो होना है, चाहे 100 मोहरे दे दो चाहे 100 कोड़े खा लो, लेकिन जो रहते ना चतुर बनने वाले होते नहीं है, वो 100 कोड़े भी खाते हैं और 100 मोहरे भी देते हैं। कैसे देते हैं पारस भैया बताओगे? किसी से गलती हो गई, उसने कुछ चोरी कर ली, राजा ने कहा इसको 100 सिक्कों का दंड है। बोले कंजूस था बहुत, इतना कंजूस था भैया कि कप में जो दूध बच जाए ग्लास में वो रुकता था, तो जम जान दो फिर पानी मिला के वो पी लेगा। बोले एक बूंद भी नहीं जाना चाहिए। बोले भैया हम 100 कोड़े खाएंगे, चालू होते हैं कोड़े, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50 पहुंचे, कह रहे नहीं भैया अब हमारे बस की नहीं है, अब हमारे बस की नहीं है, तो क्या करें? बोले भैया काम करो, आप तो हमसे 100 सिक्के ले लो। बोले ठीक है भैया 100 सिक्के दो, बात खत्म। उसे सिक्के देना चालू किए, छूटे तो 1, 2, 3, 50 दिए। बोले भैया 50 दे चुका है, अब वो कह रहा भैया 50 तो बचा लो, भैया तुम 50 और मार लो, हम नहीं दे पाएंगे। उसने मारने चालू किए, बोले भैया पीछे की गिनती नहीं होगी, 100 पूरे पड़ेंगे, लगातार का सजा है। तो उसने 50 और मारे, अब वो कहता भैया रुको रुको सहन नहीं हो रही, तुम 50 और ले लो सिक्के। 50-50 दो बार सिक्के दिए, 50-50 दो बार कोड़े खाए और बसंत रहे ज्योंके त्यों। भैया 50 सिक्के दे देते, अब इलाज कराने गए तो 200 सिक्के अलग लगे। अब राय तब बगारा है, राय तब बगराया है, तो अब समेटो। देखा नहीं माँ क्या करती है, बच्चे ने गुस्से में आके कुछ फेंक दिया नीचे दूध, बोले लाओ पोंछा कर साफ, और आज दूध नहीं मिलेगा, करो साफ करो, तुमने मचाया है तुम ही समेटो। ईर्षा की ये परिणति होती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मिथ्या दृष्टि के अंदर ये ईर्षा आती ही है, साधक के अंदर आ जाती तो मिथ्या दृष्टि का क्या होगा। और फिर वो उस ईर्षा के कारण जो नहीं करना चाहिए ऐसे अयोग्य कार्य भी करता है, किस लिए? बस संभव को नीचा दिखा दे, बस किस भी करके हम संभव को नीचे झुकाना हमें और कुछ नहीं। भैया ठीक है आप अपना प्रयास कर लो, आप अपना प्रयास कर लो, लेकिन भैया जीवन भर दुखी रहना पड़ेगा। ये ईर्ष्या क्यों आती? कर्तव्य बुद्धि, मैं करो जरा 5 बार मैं करना जरा, अरे सब एक साथ तो करो, मैं करो, लालू करो, मैं कौन कर रहा है ये, मैं कौन करता है बेटा हैं? जिसको बकरी बनना वो मैं करे, हाँ जिसको भगवान बनना हो वो कहे हम सो हम। आपको जिम्मेदारी दी गई है ना कि कर्तव्य बुद्धि, दादा सही है, आपको जिम्मेदारी गई, कर्तव्य बुद्धि नहीं दी गई,
कर्तव्य बुद्धि आती है, ईर्ष्या आती है। कई माताओं को देखा हमने, उनको दूसरे के हाथ की रोटी पसंद नहीं आती, बोले रोटी तो हम अपने हाथ की पसंद करते हैं। क्यों भैया? बोले हमसे अच्छी कोई बनाते ही नहीं है, जैसे कि इनके पहले किसी ने कभी रोटी खाई ना हो। देखा कि नहीं आपने? हमने देखा है, सो बता रहे हैं। हमें तो किसी और की रोटी जमती नहीं भैया, हम अपने हाथ की जमती है। बस ये तुम्हारी कर्तव्य बुद्धि है, ये तुम्हारी कर्तव्य बुद्धि है। थोड़ा धैर्य रखो, देखना दिन बदलते हैं, देर नहीं लगती। कल पानी गिर रहा था, अब आज धूप निकल आई है। इसको भी स्थिर मत मानना भैया, इसको भी स्थिर मत मानना। ये भी जाएगा, फिर ठंड आएगी, ठंड जाएगी तो फिर गर्मी आएगी। टोलो बिल्कुल नहीं घबराना, ये बाल जाएंगे, दूसरे आएंगे, वो तो चलते ही रहेगा। इसमें क्या है? विजय भैया है क्या? विजय भैया, संस्कार कराने में कभी चूकना नहीं चाहिए। ये स्वेच्छा का है, मार्ग है, कोई जबरदस्ती का नहीं है। अब पारस भैया बोले कि हमारे कर दो, तो तुम आए नहीं हो पा रहे, तुम चाहे टकली कराओ चाहे मुंडी उड़ाओ, आपके होगा एक बार सागर में संस्कार। और कहीं विवाह के बाद बोल रहे हो टोलू, तो बेटा वो भी नहीं हो पाएंगे। स्वेच्छा का मार्ग है, जबरदस्ती का नहीं है। आनंद स्वेच्छा में आता है। देखना, आपको बिल्कुल भोजन नहीं चाहिए, एक दाना भी नहीं, पीछे से माने एक रोटी घुसेड़ दी, खा तो लेते हो। अरे यार, वहीं तुम स्वेच्छा से तुमने तीन रोटी खाई, तुम्हें आनंद है। बोली चल रही थी, एक सज्जन ने कहा भैया हमारे 11,000, 21 करो 21। अरे तुम तो सेठ हो, सवाई सिंघई हो, दिवाकर हो, प्रभाकर हो, ये तुम नहीं हो, तुम सेठ ही हो, समझना। बोले अब ठीक है भैया, कर दो भैया। उसको 11,000 देने में दुख नहीं होगा, 10,000 देने में दुख होगा। जबरदस्ती का नहीं, प्रसन्नता का मार्ग है। होना तो है ही, और प्रसन्न होके करवा लो सो अच्छा है, और दुखी होके करवा लो सो अच्छा है। जैसी तुम्हारी इच्छा टोलू, वैसा करा लो। सुनो, आपके बैठने ना बैठने से, उस संस्कार शिविर की कोई सफलता नहीं है, ये सत्य मानना, सत्य मानना। अबे भैया, 10 लोग भी होंगे तो भी शिविर लगेगा, 200 होंगे तो भी शिविर लगेगा। सत्य है, सत्य है कि नहीं? काम तो कभी रुकेगा नहीं। आप लोग नहीं आते तो भी प्रवचन चलते कि नहीं? यहां नहीं चलते तो कक्ष में स्वाध्याय के प्रवचन चलते, प्रवचन चलते कि नहीं? आप आर दो ना दो, आर चल रहे कि नहीं? सब चलेगा, दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती। भैया जब कुछ रुकने वाला नहीं है, तो भैया अपनी ईर्ष्या को रोक करके धर्म के मार्ग पर चल पड़ो, धर्म के मार्ग पर चल पड़ो। ईर्ष्या, मिथ्या दृष्टि, 24 घंटे ईर्ष्या, और उसके बाद कह रहे हैं निंदा। इन दो चीजों के बारे में सोचता रहता है, इनके पास बैठेगा सो उनकी बुराई, उनके पास बैठेगा तो तीसरे की बुराई। क्यों? ईर्ष्या से। अरे भैया पता ऐसा हो गया, अरे भैया पता वैसा हो गया। और जहां अधिक बोलता है व्यक्ति, वहां झूठ बोलना प्रारंभ कर देता है। सत्य बात है प्रदीप भैया, श्रीमन जी, जहां अधिक बोलता है व्यक्ति, झूठ बोलना प्रारंभ कर देता है। फिर विषय बचता नहीं है, और जब विषय बचता नहीं है तो वो झूठ ही झूठ बोलता रहता है। अब आपके ऊपर है क्या करना है क्या नहीं करना है।
अपने अंतरंग में झांक के देखो, कहीं में निंदा और ईर्षा मिथ्यात के कारण तो कसाय तीव्र कसाय के कारण तो नहीं कर रहा हूं। भैया कोई अपने ऊपर मत लेना, लेकिन बात तो सत्य यही है, इनका कंठ अच्छा है, इनका तप अच्छा है, तो हम ईर्ष्या करें कि निंदा करें, अनुमोद ना करें। सम्यक दृष्टि ईर्ष्या निंदा नहीं करता, सम्यक दृष्टि अनुमोद ना करता है। अरे इनकी कक्षा में माना कि ज्यादा लोग बैठते हैं तो इसमें गलत क्या है दादा, धर्म की तो प्रभाव ना है, इसमें हम और सहसागर जी ईर्ष्या क्यों करें। विनी आप इतने दिन से हो, कभी परस्पर में निंदा सुनी नहीं? क्यों? सबका अपना अपना छेउपशम है, कोई इनसे प्रभावित होता है, कोई इनसे प्रभावित होता है, कोई हमसे होता है, धर्म की प्रभावना है, जिससे प्रभावित हो तो हो जाए। अभी सहज सागर जी ने 3 उपास किए थे, अगर हमने किए होते तो अलग हल्ला होता होता कि नहीं सहज सागर जी? लेकिन भैया इतना ध्यान रखना, ये मत सोचना कि लोगों ने प्रभावना नहीं करी, व्हाट्सएप पे डालना चाहिए था 3 उपास, 10 उपवास, 40 उपवास, नहीं भैया, ये उपवास दिखाने के लिए नहीं कर रहे, हम आत्म कल्याण के लिए कर रहे हैं। इन्होंने आके कोई क्रेडिट नहीं लिया, 1 नंबर हार कराए हमने आज, नहीं नहीं कर्तत्व नहीं, जैसी भवितव्यता थी वैसा हुआ। सहज सागर जी ये ईर्षा निंदा अगर नहीं आई बीच में, भाई ध्यान रखना अपन यहां बीच में है, फिर सिद्धों के बीच में भी बैठेंगे। बीच यानी मध्य लोक में है, 2.5 दीप के मध्य में है अपन, पर यहां सिद्ध से लाके सिद्धों के बीच में भी मिलेंगे अगर ईर्षा और निंदा नहीं रही तो। और बताएं, जरा जरा सी बातें यहां की वहां करने की जिसकी परिणति हो, भैया मिथ्यात्व का चिन्ह है, बिना कसाय के कोई चुगली नहीं करता कभी, इसको कहते हैं पिशुन क्रिया। सत्यार्थ बोध में आचार्य भगवान ने लिखा है पिशुन व्यसन, जिसको ये लग जाए भैया संभालना मुश्किल है। चुगली करने की जिसको एक बार सहसागर जी आदत हो जाए, वो स्वपर का घातक है, ना अपनी इज्जत बना पाता है ना दूसरे की इज्जत बचाता है, दोनों की बिगाड़ता है। कर लो, दिन है कर लो। भैया किसी के घर में आग लगाने के पहले सोच लेना कहीं हवा का रुख बदल गया, तुम्हारा घर भी बगल में ही है, तुम्हारा घर भी बगल में ही है, क्या पता लगाई थी उसके यहां लग गई तुम्हारे। सारा खेल इसका है पारस भैया, पुण्य का खेल है, कुछ नहीं है। सबसे कह देना मोनू, हवाएं किसी की नहीं होती, चिराग हर किसी के बुझते हैं। हवा किसी की नहीं होती, ना मानो तो रावण से पूछ लो, राम से पूछ लो। राजा मधु ने भी एक राजा की पत्नी का हरण किया था, गुणवती का किया था, अप्रमित सागर जी किया, कितने राजाओं का कथन आया उनने पर स्त्री का हरण किया, उनका कुमरण नहीं हुआ। राजा मधु ने पर स्त्री का हरण किया, उसका भोग भी किया और साथ में भी रहा, फिर प्रतिबोध हुआ, दीक्षा धारण की, प्रायश्चित लिया और मरण करके 16वें स्वर्ग में 22 सागर की आयु का इंद्र हुआ, प्रायश्चित लेकर के। और वही जीव नीचे आया, वहीं से प्रद्युम्न बना, कामदेव की पर्याय प्राप्त की और 34 टोंक से गिरनार जी की मोक्ष। अरे परिस्त्री का हरण करके मोक्ष नहीं गया टोलू, वो भावों की विशुद्धि से मोक्ष गया है। वहीं रावण ने भी पर स्त्री का हरण किया, छुआ क्या, भोग किया क्या, गति दुर्गति हो गई। कारण क्या था, कारण क्या था बताएं? एक बहुत बड़ा महल है
और आपने कंकड़ फेंका है उसमें, मैल गिर जाएगा, नहीं गिर पाएगा। और 100 जेसीबी एक साथ चढ़ा दी तो धरा सही हो जाएगा। अच्छा, कंकड़ फेंकने से तो वो नहीं गिरा, और कहीं नीचे बम लगाते तो, आजकल बता रहे थे ना भैया विशुद्ध छाया, बोले महाराज जी आजकल सिस्टम आ गया, बम लगा देते हैं और बटन दबाई और बिल्डिंग नीचे, डायनामाइट। भैया बिल्डिंग में तो लगाओ, जीवन में न लगाओ डायनामाइट किसी की। वो जो पत्थर फेंका उससे कुछ हुआ क्या? यही तो रावण की कथा कह रही है, जिसका पुण्य तीव्र था उसको मत छेड़ो। अगर रावण सुग्रीव की पत्नी को हर लेता तो सुग्रीव कहता रख लो हमें नहीं चाहिए। जब मालूम चला सुग्रीव को, पद्म पुराण जैन रामायण, कि सीता जी रावण की अशोक वाटिका में है, सुग्रीव कहता है हे पद्म मेरी सारी स्त्रियां रख लो, विद्याधरों की जितनी कन्याएं हैं सबसे आपका विवाह कराता हूं, सीता की चाह मत करो, रावण से कोई नहीं ला पाएगा। राम कहते हैं, लक्ष्मण क्या कहते हैं, तुम किनारे हटो, रास्ता बताओ, हम बताते कैसे लाते हैं। पर भी संकल्प हिंसा नहीं, विरोधी हिंसा थी, इसलिए छायक सम्य दृष्टियों के भी राम ने युद्ध किया। बोलो अहिंसक होना था? भैया अहिंसक होना भिन्न है, कायर होना भिन्न है। क्या कहा आचार्य जी ने आपसे कि साधु मौन रहते हैं, गूंगे नहीं रहते। मौन तो रहो लेकिन जहां योग्य हो वहां जरूर कहना। अब वो हरण करके ले गया सीता का, सीता की जगह किसी और की, सीता की जगह अगर कोई और होती तो चल जाता, राम की पत्नी थी, राम पुण्य आत्मा थे, इसलिए सब महल बिखर गया। भैया पुण्य आत्मा को मत छेड़ो, पुण्य आत्मा को मत छेड़ो, तुम्हारे पुण्य का महल बिगड़ जाएगा, पुण्य आत्मा को मत छेड़ो। जब हम दीक्षा ले रहे थे, हम आचार्य भगवान विभव सागर जी के पास भी गए थे, उन्होंने हमसे एक बात कही थी, भैया सन्मति दीक्षा तो तुम सही जगह ले रहे हो लेकिन थोड़ा सोच समझ के लेना। तो हमने सोचा कि ये तो गुरु भाई हैं और इतनी प्रीति लग रही, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने कहा सुनो, पूरी बात सुनो फिर निर्णय लो, कान के कच्चे कभी नहीं बनना, कान के कच्चे कभी नहीं बनना। यतीन भाई तुम्हारा कितना ही खास क्यों ना हो, वो जो कुछ कहे पहले सुनो, फिर जिसके लिए कहा है उसको बुलाओ, फिर निर्णय लेना, निर्णय एक पक्ष से कभी मत लेना। एक पक्ष से निर्णय मत लेना। क्या कह रहे थे हम सिद्धार्थ अभी? देख भाई एक पक्ष से निर्णय मत लेना, कान के कच्चे मत बनना। क्यों नहीं बनना है? बात अधूरी रहती है, सब गड़बड़ हो जाता है, पारस में सब अधूरा, सब गड़बड़ हो जाता है। कितनी ही खास क्यों ना हो भैया, बात पूरी सुनना, लेकिन भैया पुण्यात्मा के लिए सोच के बोलना, पुण्यात्मा के लिए सोच के ही बोलना। वो नहीं भी चाहेगा, राम ने कब चाहा कि रावण का मरण हो या रावण को दुख मिले? कभी नहीं चाह, लेकिन क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। यथा मति तथा गति, यथा गति तथा मति। जिसकी जैसी गति होती है प्रियांश, उसकी मति वैसी होती है, आप कुछ नहीं कर सकते। किसी को समझाना भैया ये अभक्ष है मत खाओ, गुरुओं से नियम लिया है मत तोड़ो, अरे हो तो हो गए व्रत कर लो। जब आंधी आती है कर्मों की, बड़े बड़े हाथी भी उड़ते देखे जाते। जिस कर्म की आंधी में तीर तंकर जैसे हाथी उड़ गए,
अपने जैसे चूहे खरगोशों का क्या होगा। मां तीर्थंकरों को छोड़ा क्या कर्म ने, तो आप बताओ आपका और हमारा क्या होगा। इसलिए कुनकुन स्वामी कह रहे हैं भैया, ना ईर्ष्या करना ना निंदा करना, मिथ्या दृष्टि जीव चुगली करता है। इसके बाद क्या कह रहे हैं, हिंसा और चोरी में उसके निरंतर चित्त रहता है, चिंतन चलता है ना उसका, क्या चलता है, कैसे हिंसा करूं कैसे चोरी करूं। भैया कोई अकाउंटिंग करता हो, सीए हो, सीएस हो, सब करो, 24 घंटे चोरी चोरी का चिंतन मत करना भैया, मिथ्यात में रह जाओगे। और चोरियानंदी रौद्र ध्यान होगा उसको, किसको, जो भैया हमने तो क्या बताएं आपको, फलानी कंपनी के 2 लाख बचा दिए, फलानी कंपनी के हमने 2 लाख बचा दिए। चोरियानंदी रौद्र ध्यान, रौद्र ध्यान देखो आप परमेश्वर जी, रौद्र ध्यान आगे कह रहे हैं, बैठेगा खाली तो व्यसनों का ही चिंतन करेगा और स्वयं नहीं दो चार को लेके जाएगा, चल रहे क्या, चल रहे क्या, चल रहे क्या। व्यसनी जीव अकेले कभी व्यसन नहीं करता, व्यसनी जीव अभय भैया अकेले कभी व्यसन नहीं करता। भैया हमसे कोई बात करे, बहुत सोच समझ करे, जो निंदा करता है वो ही हमारे लिए निंदक है, क्योंकि जिसके बारे में तुम कह रहे हो वो तो शांत है, जिसके बारे में आप कह रहे हैं वो तो शांत है। नायक जी माना कि देव और यश आए और एक दूसरे के बारे में कुछ कह रहा है कोई, माना कि भैया जिसके बारे में कह रहे हो वो तो शांत है, तो वो तो हीन नहीं है, आप ही हीन हो गए, क्यों, क्योंकि तुम उसकी निंदा कर रहे हो। कंकड़ पत्थर फेंक लो कोई बात नहीं, तुमने अगर किसी के ऊपर कोयला गर्म फेंका है उसको लगे ना लगे वो उसका भाग, हाथ तो तुम्हारा जला है, भाव तो तुम्हारे खराब है ही, इसमें कोई शंका नहीं। इसलिए कह रहे हैं भैया वो मिथ्या दृष्टि जी व्यसनों का चिंतन करता, कैसा, अब कौन सा व्यसन करना है, अब और क्या करना है। देखो अपने आप में देखो, कोई ऐसा है जो पीता था छोड़ दी है कोई, प्रभात भैया सबको पता है, डरोगे तो नहीं, पीता था छोड़ दी ठीक है, ऐसा नहीं लगता था अब ये वाली और मंगवाना है और अच्छी वाली पीना है, 4 लोगों को जाते थे कि अकेले पीते थे, व्यसन करने वाला कभी अकेला नहीं रहता, उसको हर दिन नया नया चाहिए। मिथ्या दृष्टि जी व्यसनों की पूर्ति का चिंतन करता है, शिविर खत्म हुआ और संभव सोच रहा है अरे भैया सुख के दिन तो चले गए, प्रियान सोच रहा अब ध्यान करने नहीं मिलेगा, टोलू सोच रहा अब कब अपन को माला लिखने मिलेगी, और पीछे से कहता क्या भैया वो बात हो गई हमारी, पाव भाजी बनवा ली केले की, पारना वही होगी अपनी, कर लो भैया, यहां जिनवाणी खोलते थे वहां बाटले खोल रहे हो, कर लो तुम सब, तुमने धर्म सब नाश कर लिया। बोले 4 महीने हो गया बहुत धर्म हो गया, दीपावली भगवान का मोक्ष चुआ, अब भैया अब अपने काम पे लगो, यत्न मतलब काम पे लगो, सही है ना भैया, ऐसी करना चाहिए ना, नहीं भैया। और सुनो धर्म भी अगर वो करता है या धर्म का चिंतन करता है तो केवल भोगों के निमित्त से करता है, ना तू कम खय निमित्तम, धम्मम भोग निमित्तम ना तू कम खय निमित्तम, धर्म भी करता है तो भोगों के लिए और मान के लिए, किसके लिए, भोगों के लिए कि भविष्य में भोग मिल जाएंगे, 10 उपास कर लो, 15 उपास कर लो, चंद्रायण कर लो, रोहिणी कर लो, इसीलिए नहीं। और सुनो मान के लिए, ख्याति के लिए,
ख्याति के लिए, हाँ मेरी ख्याति हो जाए बस, कर लो सहसा हरि। सिंह निष्क्रीन कर व्रत करना सरल नहीं, बहुत कठिन है, सोचना कठिन है, करना तो दूर की बात, लेकिन ख्याति के भाव है तुम्हारा सारा व्रत मिट्टी हो गया। वो जीव श्रेष्ठ है जो अपने आहार कर रहा है, आवश्यक उपवास कर रहा है। मूलाचार से कह रहे हैं भैया, हम गुरु मुख से पढ़ा है सुना है वही बता रहे हैं, याद है भैया 100 उपवास किए और पारणा के दिन भैया नायक जी व्यवस्था हमारी ऐसी रहेगी बिनी तुम्हारे 100 उपवास व्यर्थ हैं, मूलाचार का कथन है। तुमसे अच्छा वो है जिसने 360 दिन आहार किए हैं, 5 दिन उपवास किए, उद्दिष्ट तो नहीं खाया, भोगों के लिए नहीं, ख्याति के लिए नहीं। हाँ भैया क्यों मैसेज डला कि नहीं डला, आज हमारा दूसरा उपवास है, क्यों सहसा भाई मैसेज डाला कि नहीं डाला, आज पढ़ना है सुबह 8:30 बजे, डालो पहले डालो, आर्यन कहाँ है बुलाओ, अच्छा वाला एक फ्लेक्स बनवाओ। ख्याति के लिए तुम जो कर रहे हो सब व्यर्थ है, मिट्टी है। हाँ तुम जिन शासन के लिए जो कर रहे हो सब सोना है। इनके छतरपुर में एक आए सज्जन चिबू के यश रोमाणी, बोलते महाराज जी बेदी तो बहुत सुंदर बनी है लेकिन अभी तक छतरपुर जिले में 10 बेदी प्रतिष्ठा हुई, नाम किसी में नहीं है आपका, इसमें लिखवा दें हम, तुम नीचे आओ कमरे में बैठ के बात करते हम। सुनो भाई, ना हमने किसी में नाम लिखवाया है ना हम आगे लिखवाएंगे, क्यों नाम लिखा के हमें अपना पुण्य वहीं खर्च नहीं करना, हमें नाम साथ में लेके जाना है, हमें पुण्य साथ में लेके जाना है, नाम तो यहीं रहेगा। पारस भैया चातुर्मास में कोई बैनर छपा, मिलन भैया कोई पत्रिका छपी क्या, किसको नहीं पता कि सिवनी में चातुर्मास है, और जिसको आना है वो आता है, क्यों भैया बालाघाट आपको बुलाया क्या, भक्ति से आए ना, भक्ति चाहे कि बुलाया है, ऐसा कौन सा दिन है कि बाहर के लोग यहां नहीं आते, और आप बताओ हमने किसको फोन लगवाया है, बुलाया किसी को नहीं, बिल्कुल नहीं। जो भक्त है उसको बुलाना नहीं पड़ता, जिसको बुलाना पड़ता है वो भक्त नहीं, कम भक्त है, उसको बुलाना नहीं पड़ता। शिखर जी में कौन बुलवा रहे हैं आचार्य श्री, दुनिया पहुंच रही कि नहीं, ये भक्त है जो पहुंच रहे हैं, कम भक्तों को बोलना पड़ता भैया आ जाओ 10 लक्षण आ रहा है, आ रहे कि नहीं, भक्तों को बोलना नहीं पड़ता, टोलू वे सारे में ही काम समझते हैं, जिनको बोलना पड़े अभी कमजोर है, कमजोर है भैया। एक लब्ब ने अंगूठा दे दिया तुम बाल नहीं दे सकते क्या, है बेचारे का तो अंगूठा आएगा नहीं, तुम्हारे तो बाल आ भी जाएंगे, बताओ अब इससे ज्यादा क्या बोल सकते हैं। फिर भी संभव विश्वास है हमारा, हमने जो सोचा है ठाना है सो करके रहे हैं, है ना, तुम देखना टूलू भी शिविर में बैठेगा। देख लेना बैठेगा, ये विश्वास है हमारा। और सुनो बड़े बाबा से ने हमसे कहा था तुम्हारा विश्वास हम तोड़ेंगे नहीं, अब बोलो कुछ कहा तुमसे बड़े बाबा ने, नहीं कहा। देखो सहज सागर जी इसको इतना बोलना आता है धोखे से महाराज बन जाए, सो इसकी बोलने सुनने ही लोग आए कि आज महाराज जी अब नया क्या बोलने वाले। जैसे प्रवचन में टोलू का नाम आया बोले कट, आज का स्टेटस कट, बिल्कुल सही बेटा। सुनो अंतिम समय यही काम आएगा, तुमको गुरु के वचन अगर कान में गूंज गए, कोई नवोकार सुनाने वाला भी नहीं है मेरे भाई, समाधि अच्छी होगी तुम्हारी, समाधि फिर अच्छी होगी, तब संस्कार अच्छे रहे, तब ये संस्कार हो ना हो इससे कोई मतलब नहीं, अंतरंग के संस्कार तो अच्छे हो। आपका समय हो गया भैया घड़ी का, दादा देखो कुछ जी, घड़ी रुकती ही सी नहीं है, इसका वास्तु चेक करो, गलत दीवार पर नहीं टिकी,
आगे कह रहे हैं वो निरंतर मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दृष्टि जीवों से ईर्ष्या रखता है कि और उस ईर्ष्या के कारण उनके अहित का ही चिंतन करता है। पूजा भी कर रहे हो सो क्या करेगा, टेबल की टांग तोड़ देगा, कुर्सी की टांग तोड़ देगा, तुम बैठो गिर जाओ, हाथ पैर टूट जाए सो तुम पूजा करने मत आना, जिस जिनवाणी से पढ़ते उसको छुपा दो, उसको छुपा दो, बिल्कुल ऐसे छुपा दो बिल्कुल कि मिले ही ना। अथवा भैया वो आज तो जल तो है ही नहीं, क्यों नहीं, बोले मक्की गिर गई थी पूरा जल फेंका है, बोले अब पानी के लिए व्यवस्था नहीं है, बोले कल करना अब जाओ। अथवा ऐसे उपसर्ग करेगा कि बेचारा धर्मात्मा धर्म ना कर पाए, ऐसा चिंतन कभी मत करना। भैया बुरा नहीं मानो, एक बात बोले सबसे कह रहे हैं और अपने से भी कह रहे हैं, कह दे पलक भाई जीवन में कुछ भी हो जाए प्राण ले लेना किसी के, प्राण ले लेना वो मना नहीं करेगा, लेकिन भाई किसी के दिल में ऐसी बात मत दे देना कि वो निकाल ना पाए, जिंदगी बहुत दुखी हो जाए। प्राण ले लिए वो अच्छा है, बेचारे चला तो गया, दूसरी बजाय में तुमने ऐसे शब्द बोल दिए, चल 24 घंटे उसको दिल में रखा, उसको दुख हो रहा है। देखो पारस भैया यहां चेहरे पे कोई दाग दिख रहा क्या सामने, लेकिन पीछे देखना 3-4 है। हमें निमित्त शास्त्र पढ़ रहे थे, उसमें लिखा था जिनके सामने के हिस्से में दाग ना आए, भिड़ने पर भी गिरने पर भी उनके शत्रु पीठ पीछे काम करते, सामने नहीं आ पाते। देखो अपने सही दिख रहा है, ये वो टेबल से एक बार लग गई थी बिहार में, है ना, सो पीछे तो अपने चलता है, कोई की ताकत नहीं आगे बोलने की, तो हम इतने में ही खुश है, चलो भैया मुझे दुख देकर के अगर तुम खुश हो, चलो भैया दुनिया में कोई तो खुश है। लेकिन इतना ध्यान रखना मिथ्या दृष्टि जीवों के लिए क्या कह रहे हैं, तुमने किसी के रास्ते में अंधेरा किया है तुम्हारे जीवन में उजाला नहीं होगा। ना मानो तो आप जाके पद्म पुराण पढ़ लो, जिनसेन स्वामी का लिखा हुआ आदि पुराण पढ़ लो, हरिवंश पुराण पढ़ लो, सीता का जीव अंधी सूकरी बना था कि नहीं। पद्म पुराण का क्या आनंद है, जीवन भर पढ़ो तो भी कम है। अंधी सूकरी बना और एक सूकर ने उसका भोग किया, गर्भ में पेट में बच्चे थे, एक स्वान खा गया, क्या वेदना क्या पीड़ा भैया। एक ग्रंथ है, हम कई बार नाम लिए, एक बार फिर करें, भावत्रय दर्शी का नाम का, भैया व्यवस्था करो हमको पढ़ना है उसकी, पारस भैया भावत्रय दर्शी का ग्रंथ, एक बार उसको आप सामूहिक पढ़ो, उसमें कोई विशेष बात नहीं लिखी, किन परिणामों से कौन सी गति मिलती है बात लिखी है, क्या पता अपने कौन से परिणामों से अपनी गति सुधर जाए। मां एक बार भावत्रय दर्शी का ग्रंथ लिख पढ़ना, आचार्य शांति सागर जी महाराज के शिष्य आचार्य कुंतु सागर जी के द्वारा लिखा हुआ है, कटनी में उन्होंने लिखा था, पढ़ने लायक ग्रंथ है, पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री जी ने उसकी संस्कृत टीका की, यद्यपि प्रसिद्ध नहीं है मां उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, माया तैरेग यो नस्या इसी सूत्र का विस्तार कहीं कहीं है, लेकिन मां अंदर को हिलाने वाला है, अंदर को हिलाने वाला प्रकरण है, भावों से पढ़ोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आपका समय हो गया, भगवान कुंदकुंद स्वामी का यही आदेश है भैया, अपने अपने में देख लो मिथ्यात्व लक्षण है कि सम्यक का, हो सकता है कि अंतर्मूर्त पहले मिथ्यात था फिर सम्यक हो गया फिर मिथ्यात हो गया, अपने आप में देखना। राहुल भैया संसार की ये विचित्रता है, आपसे कह रहे हैं संसार की यही विचित्रता है, जो वस्तु पहले रुचती थी अब वो वस्तु देखने की इच्छा नहीं होती, संसार की विचित्रता है। जिस दिन
आपकी जो भी परिणति चल रही है ऐसे जिस दिन ये परिणति इसलिए आ गई, मुझे संसार का कोई पदार्थ नहीं रुच रहा, मुझे तो केवल मोक्ष मार्ग रुच रहा है, भैया भगवान बनने में देर नहीं लगेगी। अब आप बताओ जो होता है वो अच्छे के लिए होता कि नहीं? जो जिनेन्द्र भगवान का भक्त है, आज भी हमारी यही श्रद्धा है अपन में सागर जी, आगे भी रहेगी, जो जिनेन्द्र भगवान का सच्चा भक्त है उसके साथ जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। कुएं में भी गिरेगा, माना कि मरण को भी प्राप्त हो गया तो दुर्गति नहीं होगी। धन कुमार चरित पढ़ाना, पढ़ा किसी ने धन कुमार चरित? छोटा सा बच्चा पहुंच गया व्रत लेकर के जंगल लकड़ी काटने, वहां शेर ने उसको खा लिया। अब वो सोचता है उसकी माँ, लो एक तो आज ही धर्म किया तो मेरे बेटा आज ही चला गया, वो वहां से मरण कर देव बन गया। भैया मिथ्यात्म मत रहना, अपनी परिणति को सुधारने का भरसक प्रयास करो, क्योंकि आपका पतन आप कराओगे, आपका उत्थान आप कराओगे भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विश्व सागर जी महाराज की।